प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को जिले के कलेक्ट्रेट परिसर स्थित ई डिस्ट्रिक्ट कार्यालय में स्थापित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर एवं स्पोर्ट्स कॉलेज में बन रहे कोविड वार्ड का निरीक्षण किया तथा व्यवस्थाओं की जानकारी हासिल की। गौरतलब है कि रविवार की शाम को गोरखपुर पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्वप्रथम इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर का निरीक्षण किया और वहां कार्य कर रहे लोगों से होम आइसोलेशन के मरीजों को टेलीफोन से बात करने, अस्पताल में मरीजों के बेड उपलब्ध कराने एवं टेलीमेडिसिन के संबंध में जानकारी हासिल की। इस मौके पर मुख्यमंत्री को बताया गया कि 24 घंटे संचालित इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर में कुल 290 लोगों को तैनात किया गया है। संक्रमित मरीजों के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के प्रति शिफ्टों में 40 लोग तथा होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों से वार्ता के लिए प्रति शिफ्ट 30 लोग लगाए गए हैं। यह कार्य 2 शिफ्टों में किया जा रहा है। इसी प्रकार डाटा फीडिंग के 20 कंप्यूटर ऑपरेटर लगाए गए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पोर्ट्स कॉलेज में बन रहे कोविड वार्ड का निरीक्षण किया तथा कोविड वार्ड के प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि कोविड वार्ड बनाने के लिए और भी स्थानों का खोज किया जाए जिसमें 250 बेड तक स्थापित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर, DIG डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, अपर जिलाधिकारी फाइनेंस राजेश सिंह सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद रहे। भैया आइए, पंकज भाई आई डी दो, तार खोल लीजिए, तार खोल लीजिए। महाराज जी, महाराज भैया Thank you.
पास मत जाइए, छोटी लड़की अलग अलग कमरा है सर, तीन तीन यहाँ सर, ये कमरा हम 10 के हिसाब से कराए सर, चाहिए तो 3 मंजिल का है सर। और यहाँ हमारे किसी प्रकार के किसी टाइप का रेजिडेंशियल कमरे में सुंदर सर, ये कमरे में कमरे हैं जिसमें एक कमरे में 3 बेड।